हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूँ सचिन साहनी और आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये है लेखा लिपि का इंग्लिश का पेपर है, पार्ट है, जिसमें इंग्लिश आती है आपको दोस्तों, पूछा जाता है 25 क्वेश्चन। और काफ़ी लोगों की सर डिमांड थी कि आप सर जो है इंग्लिश का पेपर सर अपलोड कर दो, जिससे एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप का पेपर आता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये है यूपी आरबीएनएल का जो अभी मैं पेपर अपलोड कर रहा हूँ। हिंदी भी किया उसका हमने, मैथ किया, कंप्यूटर किया और आपका कॉमर्स सेक्शन का किया था, अभी ये इंग्लिश सेक्शन का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और काफ़ी लोगों का दोस्तों ये भी डिमांड है सर इंग्लिश पढ़ा दो, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता। और मेरे ऑफलाइन में क्या है, टीचर स्पेशली इंग्लिश के हैं, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वहाँ भी रहते हैं अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस टाइप का पेपर आता है, क्या क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक ना, और ये भी हम बता दें कि मेरी इतनी भी वीक नहीं है इंग्लिश कि मैं नहीं पढ़ा सकता, बट क्या है कि पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है दोस्तों। ठीक ना, इस वजह से मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं पढ़ के पढ़ा दूँ। हाँ, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है 25 क्वेश्चन, तो दोस्तों मैं 21 क्वेश्चन तक मेरे करेक्ट सही हुए हैं। ठीक है, यूपी आरबीएनएल में, और या फिर यूपी पीसीएल की बात कर लें, 15 क्वेश्चन आता है तो 10 से 12 क्वेश्चन मेरे सही होते हैं, तो इतना भी गड़बड़ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, तो पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर सेंटेंस फ्रेगमेंट बिलो। आपको बताना है कि यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आपको बता दें दोस्तों कि एंटोनिम्स एंड सिंटोनिम्स का कम से कम 7-8 क्वेश्चन आता है, तो यूपी आरबीएनएल और यूपी पीसीएल में दोस्तों बहुत डिफरेंस नहीं, पैरेलल एकदम देखेंगे इंग्लिश का जो है उसकी फ्रेमिंग होती है इंग्लिश के क्वेश्चन की, यानी सिमिलरिटी होती है दोनों में, चाहे वो यूपी आरबीएनएल हो चाहे वो यूपी पीसीएल हो। तो उससे आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये तो यूपी आरबीएनएल का पेपर, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पेपर सिमिलर आते हैं। ठीक है, हाँ, एक बार पिछला हमने जो 2018 का अपलोड किया था उसमें हमने कहा कि 5-6 जो है पैसेज बड़े बड़े दिए थे, तो ये एक बार हुआ था, और वो पेपर तो समझ लीजिए एक अपवाद पेपर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस सारी चीज़ें गई थी, तो हर बार ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का देखते हैं। द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या हमारा हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये क्या है, एक नियम कानून बनाने की बात कही जा रही है गवर्नमेंट को, तो ये लेजिस्लेचर हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ। आपको बताना है कि यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है, देखिए आ गया सिनोनिम्स, तो स्कैरी का आपको बताना है फिर सिनोनिम क्या होगा, तो ये होता है फ्राइटेनिंग। ठीक है, ऑप्शन आपका फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, देखिए एंटोनिम्स भी आ गया, आपको बताना है एंटोनिम्स क्या है, वेल्ड का आपको बताना है एंटोनिम्स क्या है, तो हैरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आ गया फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, कह रहा है सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको सेंटेंस दिया है, फिल इन द ब्लैंक आपको ऑप्शन रहेगा, इसमें कहा क्या रहा है कि द चिल्ड्रेन वॉज द मैजिशियन अमेजिंग ट्रिक्स विथ बेटेड ब्रीथ एंड दियर माउथ्स। आपको बताना है इसका क्या होगा, तो ऑप्शन वन सही है, एगिप है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पांचवा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द बिलो सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा, ये भी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ गया, तो फिल इन द ब्लैंक में दोस्तों क्या होता है, कभी कभी आपको ये भी बता दें कि जनरल आपको टेंस से भी आ जाता है ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी फिल इन द ब्लैंक आ जाते हैं, प्रीपोजिशन से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक आ जाते हैं, आर्टिकल से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक आ जाते हैं। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक का एक सेक्टर बहुत बड़ा है, यानी कि आपको ग्रामर का पोर्शन मजबूत रहेगा तभी आप ये कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है डैश, आपको दिया है क्या हाउस, फिर डैश दिया है इज एट द एंड ऑफ स्ट्रीट हैज़ पिंक बैगनविलिया ऑन इट्स टेरेस। आपको बताना है ये क्या है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर वन दोस्तों सही है, माई हाउस विच इज एट द एंड ऑफ स्ट्रीट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, करके मेरा घर क्या है, ये स्ट्रीट के क्या है, अंत में है। ठीक ना, तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है कि सेलेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है कि कौन सा ग्रामेटिकली हमारा करेक्ट है, तो सब देखने से तो लगेगा सब सही है। पहला देखते हैं, करा कि सी वॉज स्केयर टू हु अलोन टू द क्लिनिक
फॉर दी डॉपलर डॉपलर ठीक है, डॉपलर टेस्ट के लिए जाना है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों फोर्थ इसमें सही है, हम आपको सीधा क्वेश्चन और आंसर दिखा दे रहे हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फोर्थ आपका इसमें सही है, करा कि सी वॉज स्कैर टू गो अलोन टू दी क्लिनिक फॉर डॉपलर टेस्ट, आपको ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, आपको बताना है कि एंटोनिम्स क्या है। विलोम शब्द देखिए आ गया, क्या है लॉफ का आपको बताना है, तो लॉफ का हो जाएगा वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम बताना है। सीजर का सिनोनिम क्या होगा, अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर वन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ, तो ये आपका इसमें देखिए एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स दोस्तों अभी तक लगता है हमें चार पांच क्वेश्चन हो गया, तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रिसेंट फूल आपको बताना है इसका क्या होगा, तो प्लेजेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली शुद्ध कौन सा सेंटेंस वो बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपका दूसरा सही है, ही वॉज एन अनपैरेलल्ड मेस्टेरियो मेस्टेरो इन हीज लाइफ टाइम एंड नो वन सिंस हैज बीन एबल टू एम्यूलेट हिम, तो ऑप्शन है आपका दोस्तों दूसरा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखिए दोबारा आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो थिंग्स दैट कैन नॉट बी रीड, आप जो कि आपको बताना है क्या होगा, तो ये होगा क्या इलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा कि यहाँ भी क्या आ गया, फील इन द ब्लैंक का ही लग रहा है, कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फील इन द ब्लैंक इन द बिलो सेंटेंस, फिर फील इन द ब्लैंक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक, मैंने कहा था पहले ही कि प्रीपोजिशन या टेंस इस टाइप से किसी भी जगह से आपको फील इन द ब्लैंक ऑप्शन आ सकता है। तो ये आ गया ना कि द यंगर चाइल्ड हैड डिफ़िकल्ट टाइम कीपिंग फिर डैश है विथ हीज एल्डर ब्रदर वाइल रनिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा प्रॉपर जो होगा हमारा क्या होगा अप होगा, ठीक है ना। और इसके बहुत ही सीधे सीधे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट हैं प्रीपोजिशन के, ठीक है। बाय चार्ट अगर आपको बताया जाए तो दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये बहुत आसान होते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं। और फिर देखिए आ गया करा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ हाईलाइटेड फ्रेज इन दी फॉलोइंग सेंटेंस, अभी देखिए फ्रेज भी आ गया, तो फ्रेज एक क्वेश्चन मिला, अभी आगे देखते हैं कितने आते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेज का होता है एक तरीके से, देखिए यहाँ पे क्या करा है कि फॉलोइंग सेंटेंस का आपको फ्रेज बताना है, ठीक है। अब कह रहा है आई एडमायर्ड दी वे माई ब्रदर कुड थिंक आउटसाइड दी बॉक्स, इसका क्या होगा फ्रेजेस, तो माई ब्रदर वुड ऑफर द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड अनयूजुअल सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम्स, तो ऑप्शन यहाँ पे फोर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कम्प्लीट द सेंटेंस, आपको यहाँ पे देखिए कम्प्लीट करना है सेंटेंस, तो करा ही इज या फिर एन रीडर एंड फिनिशर फिनिशेज रीडिंग अप्रॉक्सीमेटली 100 बुक्स इन अ ईयर, तो यहाँ पे आएगा क्या अबीट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड फ्रेज, फिर देखिए फ्रेज आ गया है, ठीक है। तो सीधे हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस क्या करें, द सी ई ओ वॉज कंसर्न्ड दैट हिज ड्यूटी वुड ड्रॉप द बेल वाइल नेगोशिएटिंग एन इम्पॉर्टेंट डील, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा सही है। द सी ई ओ वॉज वरीड दैट हिज ड्यूटी वुड मेक मिस्टेक्स ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फील द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, देखिए फील इन द ब्लैंक फिर आ गया, करा कि डैश विल स्टैंड अप फॉर राइट ऑफ डेस्टिट्यूट वुमेन, है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर दो सही है, हु विल स्टैंड
अप फॉर द राइट्स ऑफ द डेस्टिट्यूट वुमेन। तो ये ऑप्शन आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। तो फिर सिनोनिम आ गया दोस्तों, स्ट्रेकन का बताना है कि क्या होता है। तो अफ्लिकेटेड होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फील द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है कि द डॉक्टर वो टू कंटिन्यू विद हीज रिसर्च डिस्पाइट हीज अर्लियर एफर्ट बींग डैश बाय द सीनियर मैनेजमेंट एट द रिसर्च फैसिलिटी। तो ये होगा क्या, डिस्करेज्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स अ प्लूरल वर्ड। आपको प्लूरल वर्ड बताना है। तो यहाँ पे क्या है, ये होगा क्या हमारा क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द हाइलाइटेड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो तीन चार तो फ्रेज ही हो गए। पहला क्या है, द टीम स्टेप्ड आउट द ऑफिस टू ग्रैब अ बाइट। तो आपको बताना है क्या होगा इसका, द टीम वेंट आउट टू ईट अ मील। तो ये ऑप्शन दोस्तों तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फील इन द ब्लैंक इन द बिलो सेंटेंसेस। तो फील इन द ब्लैंक दोस्तों आप लोग देख चुके हैं, 7-8 क्वेश्चन हो गए इसी के। तो कह रहा कि लास्ट ईयर ही डैश अ स्ट्रॉन्ग वॉल अराउंड हिज हाउस। तो ये क्या होगा, बिल्ड किया है, ठीक है, ही बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल। इन्होंने क्या किया है, अराउंड हिज हाउस, अपने घर के चारों तरफ इन्होंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग वॉल बिल्ड किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फील इन द ब्लैंक इन द बिलो सेंटेंस। तो यहाँ भी आ गया फील इन द ब्लैंक का। तो आपको ये देख लेना है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सी हैड डैश टॉलरेट हर क्रॉनिक इलनेस। इसके बाद कामा सी वॉज ग्रेटफुल टू गॉड फॉर द मेनी ब्लेजिंग बेस्टोड फिर डैश हर फैमिली मेंबर्स। तो ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, यहाँ पे फोर्थ है, टू एंड अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फील इन द ब्लैंक्स इन द बिलो सेंटेंसेस। तो आपको डैश दिया है, माय ब्रदर वुड विजिट द हॉस्पिटल डैश आई वुड गो माय मदर हैज नो वन एल्स। तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर थ्री सही है, आइदर या फिर और। तो ये 23 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है 24th, करा सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर दोस्तों क्या है, फील इन द ब्लैंक एंड एंटोनिम सिनोनिम्स है ना, यही सब है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं। तो चलिए, द डेथ ऑफ कम्युनिज्म लेफ्ट द ईस्ट यूरोपियन कंट्री इन टोटल डैश एज राइट रियोटर्स एंड थीव्स फील द स्ट्रीट्स। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा होगा, तो आपका इसमें पहला ही ऑप्शन दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पहला ऑप्शन, एनार्की, ठीक है, एनार्की आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फील इन द ब्लैंक्स इन द बिलो सेंटेंस। आपको यहाँ बताना क्या सही है, तो ही डैश डिजायर वॉज टू ओन अ डैश कार। तो यहाँ पे सेक्रेट एंड लग्जरी हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 25 क्वेश्चन, आपकी हाईली डिमांड पर दोस्तों हमने ये प्रेजेंट कर दिया है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग PDF की डिमांड करते हैं दोस्तों, चूँकि इतने सारे लोगों का PDF का डिमांड आता है कि मैं एकदम से परेशान हो जाता हूँ, मैं दे नहीं पाता, इस वजह से मैं इस टाइम दे नहीं रहा हूँ। तो कृपया करके आप सबसे मेरा निवेदन है दोस्तों, आप लोग डिमांड मत किया करिए, ठीक है। मैं वीडियोज़ में डाल दे रहा हूँ, 5 से 7 मिनट दोस्तों आपको लगेगा, आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक है, फास्ट फॉरवर्डिंग में,
है ना, सारी चीज़ें मैं डाल ही दे रहा हूँ। पीडीएफ के लिए इतनी ज़्यादा डिमांड आती है कि दिन भर में कम से कम हमें नहीं लगता कि एक ऐसा दिन होगा जिस दिन 250 से लोग लेकर 500 लोगों की डिमांड नहीं होती हो पीडीएफ की, ठीक है। तो इतने लोगों को दोस्तों मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने में असक्षम हूँ, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान देना है। बाकी दोस्तों मैं वीडियोज़ के माध्यम से दे ही रहा हूँ, तो आप लोगों को कैसा लगता है ये मेरा वीडियोज़ मैं जो कर रहा हूँ दोस्तों अपलोड कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए, जिससे कि हम जब भी अपलोड करते रहें वीडियो तो आपको इसका नोटिफिकेशन दोस्तों अपलोड इसका भी आपको नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरीके से कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से या फिर क्वेश्चंस को लेकर, ठीक ना दोस्तों। थैंक यू आप सबको।